हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स के कुछ एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ए कैटियोनिक सर्फेक्टेंट इज पॉलीसॉर्बेट 80, सेट्रीमाइड, सोडियम डिडाकैनोएट, सॉर्बिटन मोनोओलिएट। इनमें से कौन सा होता है कैटियोनिक सर्फेक्टेंट? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं, किस लिए यूज करते हैं सर्फेक्टेंट्स का? तो सर्फेक्टेंट्स को ऐड करते हैं लिक्विड में टू लोअर द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू फेजेस एंड मेक देम मिसिबल। सर्फेक्टेंट्स में आते हैं एनियोनिक सर्फेक्टेंट, देन कैटियोनिक सर्फेक्टेंट एंड नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट। एनियोनिक में आता है सोडियम लॉरिल सल्फेट, देन कैटियोनिक क्या है? सेट्रीमाइड, बेंजालकोनियम क्लोराइड। नॉन आयोनिक ट्विन्स, स्पैन्स। हमें पूछा गया है कैटियोनिक सर्फेक्टेंट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सेट्रीमाइड। ये कैटियोनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, ठीक है। ये पॉलीसॉर्बेट 80 होता है ट्विन, ये होता है नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट। हाइड्रोफिलिक नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट होता है ट्विन पॉलीसॉर्बेट 80। ये सोडियम डिडाकैनोएट होता है सोडियम लॉरेट, ये भी होता है नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट। सॉर्बिटन मोनोलिएट होता है स्पैन 80, ये भी होता है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलेंटोइन प्रेजेंट इन कॉस्मेटिक लोशन इज प्रेजेंट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट, एंटी प्रूराइटिक, वल्नररी इमोलियंट। क्या होता है एलेंटोइन, किस लिए इसे यूज करते हैं इन कॉस्मेटिक लोशन? तो ये होता है इमोलियंट, ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट आंसर। एलेंटोइन, मिनरल ऑयल्स, देन लैनोलिन, देन आपका पेट्रोलियम जेली, लिक्विड पैराफिन, ये सभी होते हैं इमोलियंट्स। इन्हें यूज करते हैं क्रीम्स में एज ए इमोलियंट्स। किस लिए यूज करते हैं इमोलियंट्स का? तो इन्हें यूज करते हैं टू मॉइस्चराइज स्किन, इन्हें यूज करते हैं इन एक्जेमा एंड सोरियासिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनएडक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ कोटिंग सोल्यूशन बिफोर ड्राइंग कॉजेस बंपिंग इफेक्ट विच इज नोन एज मॉटलिंग, ऑरेंज पिल, क्रैकिंग, रफनेस। कौन से टैबलेट डिफेक्ट में आता है इनएडक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन बिफोर ड्राइंग कॉजेस बंपिंग इफेक्ट? तो बंपिंग इफेक्ट होता है ऑरेंज पिल, ऑप्शन बी विल बी अ करेक्ट आंसर। व्हाट इज मॉटलिंग? टैबलेट डिफेक्ट्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मॉटलिंग होता है अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टैबलेट सर्फेस। क्रैकिंग क्या होता है? तो क्रैकिंग होता है ड्यू टू हायर इंटरनल स्ट्रेसेस इन फिल्म। व्हाट इज रफनेस? तो रफ सरफेस व्हेन कोटिंग इज अप्लाइड बाय स्प्रे होता है रफनेस। देन और कौन से टैबलेट डिफेक्ट्स है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैबलेट डिफेक्ट होता है लैमिनेशन। लैमिनेशन होता है सेपरेशन ऑफ टैबलेट इंटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है लैमिनेशन पे। देन एक होता है पिकिंग, मटेरियल इज पिक अप बाय द अपर पंच फ्रॉम द अपर सर्फेस ऑफ टैबलेट। देन वॉट इज कैपिंग? कैपिंग होता है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम पोर्शन ऑफ टैबलेट। देन वॉट इज स्टिकिंग? तो स्टिकिंग होता है एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू ए डाई वॉल, ठीक है। ये सभी टैबलेट डिफेक्ट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंजेक्टेबल सस्पेंशन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रा आर्टिक्युलर, इंट्रा डर्मल, इंट्रा मस्कुलर, इंट्रा वेनस। इनमें से कौन से रूट से एडमिनिस्टर्ड नहीं किया जाता इंजेक्टेबल सस्पेंशन? तो ये होता है इंट्रावेनस रूट, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सस्पेंशंस कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी रूट। अभी आप मुझे बताएंगे जीटा पोटेंशियल इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जीटा पोटेंशियल इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग, तो ये होता है सस्पेंशंस। देन लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी रूट। देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एसोसिएटेड विथ प्लेबाइटिस, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एसोसिएटेड विथ प्लेबाइटिस, तो ये होता है इंट्रावेनस रूट, आईवी रूट। एंड आईवी रूट से बायो अवेलेबिलिटी होती है 100%। देन अभी आप मुझे बताएंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन। क्या होता है बीसीजी वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये होता है इंट्राडर्मल। देन बाय विच रूट ऑयली सोल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड? तो ऑयली सोल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड इंट्रामस्कुलरली। देन जेट्रैक इंजेक्शन आर मेड बाय इंट्रामस्कुलर रूट, ठीक है। वॉट इज इंट्रा आर्टिकुलर रूट? तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन आर गिवन डायरेक्टली इन टू दी जॉइंट्स,
इंजेक्टेबल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं मोस्टली बाय इंट्रा आर्टिकुलर रूट। एग्जांपल्स क्या होते हैं इसके, तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ट्राइमसिनोलोन, बेटामिथासोन, डेक्सामिथासोन, इन सबको देते हैं बाय इंट्रा आर्टिकुलर रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बल्किंग एजेंट इन ए लायोफिलाइज प्रोडक्ट इज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैनिटॉल, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, इनमें से कौन सा है बल्किंग एजेंट इन ए लायोफिलाइज प्रोडक्ट, तो ये होता है मैनिटॉल, ऑप्शन सी। मैनिटॉल का यूज करते हैं एज अ बल्किंग एजेंट इन ए लायोफिलाइज प्रोडक्ट। देन ए शुगर अल्कोहल इज, इनमें से कौन सा है शुगर अल्कोहल, तो मैनिटॉल। स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज इन च्यूएबल टैबलेट फॉर्मूला, मैनिटॉल। ये मैनिटॉल होता है डाइलुएंट, बल्किंग एजेंट, देन टोनिसिटी एजेंट। मैनिटॉल का होता है नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर, इसलिए इसे यूज करते हैं एज ए डाइलुएंट ऑल्सो। सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर होता है, नॉर्मल सलाइन कंटेंट्स 0.9% सोडियम क्लोराइड, 0.9% वेट पर वॉल्यूम, NaCl होता है आइसो ऑस्मोटिक और आइसोटॉनिक। ठीक है, देन हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन कैन बी मेड आइसोटॉनिक बाय यूजिंग, तो ये भी होता है 0.9% सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, एड्सॉर्बेंट होता है, एंटासिड होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज MCC, डिसइंटीग्रेंट होता है, डाइलुएंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोटेम इज इंक्लूडेड इन ड्रग एज विटामिन, स्वीटनर, सोल्यूबलाइजर, स्टिमुलेंट, क्या होता है नियोटेम, तो नियोटेम होता है स्वीटनर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, एट्रिशन और क्रशिंग, क्या होता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल। ये मिल्स के प्रिंसिपल्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। तो हैमर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल इम्पैक्ट, ऑप्शन ए। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन किसका वर्किंग प्रिंसिपल है, तो बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है, देन क्रशिंग एंड फ्रिक्शन होता है एज रनर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल, क्रशिंग एंड फ्रिक्शन। देन कटर मिल, कटिंग, कोलाइडल मिल, शियरिंग। डिसइंटीग्रेटर का क्या है वर्किंग प्रिंसिपल, तो इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग। किस लिए यूज करते हैं डिसइंटीग्रेटर का, तो हार्ड क्रूड ड्रग्स के पाउडरिंग के लिए यूज करते हैं डिसइंटीग्रेटर। अभी आप मुझे बताएंगे मिल इन विच नो मूविंग पार्ट इज प्रेजेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मिल इन विच नो मूविंग पार्ट इज प्रेजेंट, तो ये होती है फ्लूइड एनर्जी मिल। देन कोनिकल रोटर एंड स्टेटर इज प्रेजेंट इन विच मिल, कोनिकल रोटर एंड स्टेटर, तो ये प्रेजेंट होता है कोलाइडल मिल में, कोलाइडल मिल का प्रिंसिपल होता है शियरिंग। देन मिल यूज टू ऑब्टेन ऑइंटमेंट्स ऑफ स्मूथ टेक्चर, कौन से मिल का यूज करते हैं फॉर मिक्सिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स, तो ये होता है ट्रिपल रोलर मिल, ट्रिपल रोलर मिल इज यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फा पाउडर्स आर स्टरलाइज्ड बाय हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, रेडिएशन, नन ऑफ द अबव, किसका यूज करते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ सल्फा पाउडर्स, तो इसके लिए यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का, ऑप्शन ए। हॉट एयर ओवन यूज करते हैं इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, प्रिंसिपल क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टेरियल प्रोटीन्स। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का यूज करते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स, सीजर्स, स्काल्पेल्स, ग्लासवेयर्स, देन सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स, ऑयली इंजेक्शंस, इन सबके स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का। टेम्परेचर कितना होता है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। अभी आप मुझे बताएंगे द केमिकल इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, केमिकल इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, तो ये होता है टेम्परेचर। ठीक है, ऑटोक्लेव का यूज करते हैं इन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, सर्जिकल ड्रेसिंग, आईवी फ्लूइड्स के स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं ऑटोक्लेव का, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, कोएगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टेरियल प्रोटीन्स। टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। रेडिएशन स्टरलाइजेशन, तो इसमें यूज करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट का एंड आयनाइजिंग रेडिएशंस का, एंड इसका यूज करते फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ एसेप्टिक एरिया इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देन थर्मोलेबल सब्सटेंसेस आर स्टराइल बाय रेडिएशन स्टरलाइजेशन। देन प्लास्टिक सिरिंजेस, हाइपोडर्मिक नीडल्स, सर्जिकल ब्लेड्स, प्लास्टिक ट्यूबिंग्स, देन आपका सूचर्स, कैथेटर्स, इन सबके स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन का।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलार्स रिएक्शन इज रिलेटेड टू डाइल्यूएंट्स, बाइंडर्स, डिसइंटीग्रेंट्स, सर्फेक्टेंट्स। तो मेलार्स रिएक्शन इज रिलेटेड टू डाइल्यूएंट्स, ऑप्शन ए। ये डाइल्यूएंट्स होते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स, इन्हें यूज करते हैं एज ए फिलर्स डिजाइन टू मेकअप द रिक्वायर्ड बल्क ऑफ टैबलेट। ये होते हैं फिलर्स, बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। अभी आप मुझे बताएंगे कॉमनली यूज डाइल्यूएंट इज कौन सा होता है, कॉमनली यूज डाइल्यूएंट, तो ये होता है लैक्टोज। बाइंडर्स क्या है, तो ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द टैबलेट। बॉन्डिंग ऑफ पाउडर पार्टिकल्स ड्यूरिंग ग्रैनुलेशन के लिए यूज करते हैं बाइंडर्स का। ये प्रोवाइड करते हैं कोहेसिवनेस टू द पाउडर सब्सटेंसेस, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है बाइंडर्स के, तो जिलेटिन, पीवीपी, सेल्यूलोज, एचपीएमसी, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, ये सभी होते हैं बाइंडर्स। डिसइंटीग्रेंट्स स्टार्च, एमसीसी, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, बेंटोनाइट, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, लिक्विड्स में ऐड करते हैं टू लोअर इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू फेजेस एंड मेक देम मिसिबल विथ ईच अदर। कौन से होते हैं, एनियोनिक, सोडियम लॉरिल सल्फेट, कैटियोनिक, सेट्रीमाइड, बेंजालकोनियम क्लोराइड, नॉन आयनिक, स्पैन्स ट्विन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स आर मेड अप ऑफ जनरल ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा ग्लास, सल्फर ग्लास। किससे बनी हुई होती है ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स, तो ये होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बोरोसिलिकेट ग्लास होती है टाइप वन ग्लास। टाइप टू ग्लास बताइए, तो हाईली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास एंड वाटर अटैक टेस्ट इज परफॉर्म फॉर टाइप टू ग्लास। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वाटर अटैक टेस्ट इज परफॉर्म फॉर टाइप टू ग्लास, ये होती है हाईली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास। टाइप थ्री ग्लास, मॉडरेटली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास, किस लिए यूज करते हैं टाइप थ्री ग्लास का, तो ड्राई पाउडर्स एंड ऑयली सॉल्यूशंस के डिस्पेंसिंग के लिए यूज करते हैं टाइप थ्री ग्लास, मॉडरेटली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास। व्हाट इज टाइप फोर, तो जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, ये होती है नॉन पेरेंट्रल ग्लास, किस लिए यूज करते हैं, तो टैबलेट्स एंड ओरल लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं टाइप फोर जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following dosage form is suitable for moisture sensitive drug? Tablet, capsule, both or ointment? कौन सा dosage form suitable होता है for moisture sensitive drug? तो ये होता है capsule, option B हो जाएगा आपका correct answer। अभी आप मुझे बताएंगे largest size of capsule। Capsule topic आपके examination point of view से important है, तो largest size of capsule होता है 000, capacity बताइए, तो 950 mg, ml में कितनी होती है 1.37 ml। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल नंबर 5, कैपेसिटी 100 mg, ml में 0.13 ml। देन कैप्सूल शेल्स आर मेड विथ, तो ये होता है जिलेटिन। जिलेटिन इज यूज्ड एज एन इनकैप्सुलेटिंग एजेंट। जिलेटिन फिल्म की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन किससे करते हैं, तो इसके लिए यूज करते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ का। कितनी होती है नॉर्मली ब्लूम स्ट्रेंथ, 200 to 240 grams। ये सभी अभी तक के पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन एक होती है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड एक होती है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का, 30 minutes, हार्ड जिलेटिन के लिए 60 minutes। रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए होता है 0.8:1 एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए कितना होता है 0.4:1 रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे शार्क लीवर ऑयल इज डिस्पेंस इन विच कैप्सूल्स, तो इनके डिस्पेंसिंग के लिए यूज करते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का। स्टोरेज कंडीशन क्या होती है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स की, तो 21 to 24 degrees Celsius। देन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर इंटेरिक कोटेड बाय यूजिंग, किसका यूज करते हैं फॉर द इंटेरिक कोटिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसके लिए यूज करते हैं फॉर्मेलिन का। ड्रग कैनॉट फील्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स कैनॉट बी फील्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। देन ओपेसिफाइंग एजेंट यूज्ड इन कैप्सूल्स, टिटेनियम डाइऑक्साइड। देन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एम्प्टी कैप्सूल शेल, कितना होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एम्प्टी कैप्सूल शेल्स, तो ये होता है बिटवीन 12 to 15%।
देन विच एजेंट इज यूज टू मेक कैप्सूल शेल इलास्टिक और प्लास्टिक, तो इसके लिए यूज करते हैं सॉर्बिटॉल का। और क्या बचा कैप्सूल में, तो कैप्सूल फिलिंग मशीन्स, फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल इज डन बाय, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल इज डन बाय कॉलीसील, फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल इज डन बाय रोटोफिल, फिलिंग ऑफ ड्राई पाउडर इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, इसके लिए यूज करते हैं एक्ोजेल का, फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल इज डन बाय कॉलीसील, फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल इज डन बाय रोटोफिल, फिलिंग ऑफ ड्राई पाउडर इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एक्ोजेल। देन एक होता है रोटोसॉर्ट, क्या होता है रोटोसॉर्ट, तो ये होती है कैप्सूल चेकिंग मशीन टू सॉर्ट आउट द फिल्ड एंड अनफिल्ड कैप्सूल्स। आपका पूरा कैप्सूल टॉपिक मैंने कवर कर दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। देन हाइड्रोकार्बन बेसेस आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, तो ये होता है ऑइंटमेंट्स, हाइड्रोकार्बन बेसेस आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। देन मिल यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स, ट्रिपर रोलर मिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन आई फॉर इंस्टिलिंग ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स इज अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली कितनी कैपेसिटी होती है ह्यूमन आई की फॉर इंस्टिलिंग ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स, तो ये होती है 0.5 ml, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कमर्शियल वजैनल सपोजिटरी यूज ए बेस ऑफ बीजवैक्स, कोकोआ बटर, ग्लिसरीन, पीईजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, इनमें से कौन सा है मोस्ट कमर्शियल वजैनल सपोजिटरी बेस, तो ये होता है कोका बटर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये कोकोआ बटर होता है थियोब्रोमा ऑयल, ये होता है ओलियोजिनस बेस, फैटी बेस, यूज्ड फॉर दी सपोजिटरीज। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच टाइप ऑफ सपोजिटरीज आर कॉल्ड पेसरीज, तो ये होती है वजैनल सपोजिटरीज, पेसरीज और वजैनल सपोजिटरीज आर मीन टू डिजॉल्व स्लोली इन दी वजैनल कैविटी, ठीक है। देन सपोजिटरी बेसिस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, सपोजिटरी बेसिस हैविंग मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन, तो ये होता है बिटवीन 37 टू 40 डिग्री सेल्सियस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। देन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, एंड कौन सी मेथड्स का यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, तो इसके लिए यूज करते हैं रोलिंग, देन मोल्डिंग एंड कोल्ड कंप्रेशन मेथड्स का, ठीक है, रोलिंग, मोल्डिंग, कोल्ड कंप्रेशन। व्हाट इज बीजवैक्स, तो शुगर कोटेड टैबलेट आर पॉलिश्ड बाय बीजवैक्स, ये होता है पॉलिशिंग मटेरियल। व्हाट इज ग्लिसरीन, तो मोस्ट वाइडली यूज ह्यूमेक्टेंट होता है ग्लिसरीन, इसे यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एज ए ह्यूमेक्टेंट। पीजी पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल फिल्म कोटिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजोल्यूशन मे बी डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस और लॉज, फिक्स फर्स्ट लॉ, फिक्स सेकेंड लॉ, नॉइज व्हाइटनिंग इक्वेशन, स्टोक्स लॉ, किसका यूज करते हैं टू डिस्क्राइब डिजोल्यूशन रेट, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो ये होता है नॉइज व्हाइटनिंग इक्वेशन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नॉइज व्हाइटनिंग इक्वेशन होता है डिजोल्यूशन रेट के लिए। फिक्स लॉ होते हैं लॉ ऑफ डिफ्यूजन, मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स ओवर टाइम डिस्क्राइब करते हैं बाय फिक्स लॉ। ये स्टोक्स लॉ होता है रिलेटेड टू सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, ठीक है। देन और एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये होता है फॉर बफर सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ स्टेराइल टैबलेट इज, च्यूएबल टैबलेट, हाइपोडर्मिक टैबलेट, इंटरिक टैबलेट, बकल टैबलेट। स्टेराइल टैबलेट, तो स्टेराइल टैबलेट होती है हाइपोडर्मिक टैबलेट, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये हाइपोडर्मिक टैबलेट में होते हैं वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स, एंड हाइपोडर्मिक टैबलेट्स आर इंटेंडेड टू बी एडेड इन वाटर फॉर इंजेक्शन एंड एडमिनिस्टर्ड बाय पैरेंट्रल रूट, ठीक है। इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है पैरेंट्रल। देन अभी आप मुझे बताएंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट्स डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर च्यूएबल टैबलेट्स। देन मोस्ट कॉमनली यूज स्वीटनिंग एजेंट इन च्यूएबल टैबलेट, तो ये होता है मैनिटॉल। इंटरिक टैबलेट्स आर मीन टू बी डिसइंटीग्रेटेड इन इंटेस्टाइन नॉट इन स्टमक। इंटरिक टैबलेट्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरिक कोटिंग मटेरियल कौन सा होता है, सेल्यूलोज एसिटेट थैलेट, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंटरिक कोटिंग मटेरियल होता है सेल्यूलोज एसिटेट थैलेट। डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है इंटरिक कोटेड टैबलेट्स का, 2 to 3 आवर्स।
बकल टैबलेट्स, तो टैबलेट्स प्लेस्ड इनसाइड द चीक होते हैं बकल टैबलेट्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ड्यूरेबिलिटी ऑफ टैबलेट्स टू शॉक एंड एब्रेशन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ड्यूरेबिलिटी ऑफ टैबलेट्स टू शॉक एंड एब्रेशन, तो ये होता है फ्रायबिलेटर। टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कितना होता है अनकोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम? अनकोटेड टैबलेट का होता है 15 मिनट्स, फिल्म कोटेड टैबलेट्स 30 मिनट्स, शुगर कोटेड 60 मिनट्स, इंटेरिक कोटेड 2 to 3 आवर्स। और कौन सी टैबलेट बची है? एफरवेसेंस 5 मिनट्स, सबलिंगुअल टैबलेट 2 मिनट्स, ठीक है। देन टैबलेट्स पे और एक क्वेश्चन बनता है, टैबलेट हार्डनेस रेंज इज नॉर्मली, कितनी होती है नॉर्मली टैबलेट हार्डनेस रेंज? तो ये होती है 3.5 to 7 kg/sq cm, 3.5 to 7 kg/sq cm हार्डनेस रेंज ऑफ टैबलेट्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।